नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त योगेंद्र पवार। आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके विद योगेंद्र पवार में। और दोस्तों, वैसे मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने पूरा आरएस के बारे में बताया। आरएस प्री परीक्षा में जो कट ऑफ का मामला है, ओबीसी और जनरल के कट ऑफ का, और वैसे कुछ आरक्षित वर्ग की भी कट ऑफ है जिनके नंबर जनरल से ज़्यादा थे, तो उसको लेकर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था कि जो भी जनरल से ऊपर है उनको आरपीएससी प्री परीक्षा में शामिल किया जाए, मतलब आरपीएससी मुख्य परीक्षा जो रिजल्ट आया उसमें शामिल किया जाए। लेकिन दोस्तों, हाईकोर्ट ने इससे पहले का आदेश दिया था कि 15 गुना को इसमें शामिल कर सकते हैं, उसको लेकर आरपीसी और कार्मिक विभाग वापस याचिका दायर कर सकते हैं हाईकोर्ट के खिलाफ खंडपीठ में, तो उसको लेकर अलग बात है। मैंने इससे पहले वीडियो बना दी है, लेकिन दोस्तों बहुत से मेरे कमेंट आ रहे थे, क्योंकि आप पूरी वीडियो आराम से देखते नहीं हो। जो भी सब्सक्राइबर है उनको मैं कहना चाहूँगा, जो भी देखते हैं उनको भी कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरे आराम से देखिए, क्योंकि आप कुछ न्यूज़ होती है उसमें सब दिया हुआ होता है, लेकिन तो भी आप कमेंट में लिखते हैं सर क्या हुआ, तो वो इस बारे में आपको कहना चाहूँगा। लेकिन तो भी दोस्तों, मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है मुख्य परीक्षा का एग्जाम कब होगा, बार में लिखा हुआ भ्रम में ना रहे, इसी को लेकर आरपीएससी जो अध्यक्ष है दीपक उपरीत साहब ने, उन्होंने खुद राजस्थान पत्रिका को कल बताया अजमेर में कि मुख्य परीक्षा 23-24 दिसंबर को ही होगी। उसको लेकर न्यूज़ है वो देख लेते हैं। आयोग ने साफ किया है कि आरएस मुख्य परीक्षा 2018 का आयोजन 23 और 24 दिसंबर को यथावत होगा, इसकी तैयारियाँ जारी है, परीक्षा केंद्रों का निर्धारण हो चुका है, प्रवेश पत्र जल्द वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे। दोस्तों तो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परीक्षा केंद्रों का निर्धारण हो चुका है, मतलब जो 15 गुना है उसके हिसाब से ही परीक्षा केंद्रों का निर्धारण हुआ होगा। इसका मतलब जो ओबीसी के कैंडिडेट है और कुछ एक आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट है उनको मेरे हिसाब से शायद आरपीएससी झटका दे सकती है, क्योंकि हाईकोर्ट के खिलाफ जाएंगी तो लगभग मेरे हिसाब से 15 गुना के हिसाब से, जो हाईकोर्ट का पहले का ऑर्डर था कि 15 गुना लेने का, उसके हिसाब से आरपीएससी शायद ओबीसी वालों को शामिल नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऐसा आदेश हाईकोर्ट दे सकती है। तो दोस्तों फिलहाल ये न्यूज़ थी मेरे पास कि जो 23 और 24 दिसंबर को आपके यथावत आपके एग्जाम की डेट रहेगी, कोई डेट आगे नहीं बढ़ी अभी तक तो, और जैसे ही इसके बारे में कोई न्यूज़ आएगी आरपीएससी की तरफ से मैं दोस्तों आपको बता दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और दोस्तों मेरे चैनल राजस्थान जीके विद योगेंद्र पवार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।